जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आपको बता दूँ, ये है NS बॉयज हॉस्टल, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। तो आपको बता दूँ इसमें कैसी कैसी फैसिलिटी है और कैसा हॉस्टल है। ये बॉयज़ हॉस्टल है, ये देखिए इसका बोर्ड लगा हुआ है। और किसी भी भाई को हॉस्टल में रूम की आवश्यकता हो तो ये निसंकोच गोपालपुरा बाईपास हॉस्टल NS बॉयज़ में आ सकता है। ये NS बॉयज़ हॉस्टल है, ये इसका मेन डोर एंट्री गेट है। और ये कन्वेंस के लिए एक ये बस है जो पिकन है, फुल हर सीट पे एसी है, कन्वेंस फ्री है। और बॉयज़ हॉस्टल की एक इको गाड़ी है और ये भी कन्वेंस के लिए फ्री है। और मैं आपको बता दूं, इस हॉस्टल में लगभग 60 या 70 रूम है, और 60-70 रूमों का किराया है जो मैं आपको, विभिन्न प्रकार से रूम है, एसी नॉन एसी सब रूमों का किराया, सब रूम दिखाऊंगा। ये अंदर से हॉस्टल का नज़ारा है, ये देखिए, ये हॉस्टल के अंदर का नज़ारा है। और ये मेन जो ग्राउंड है, लॉबी है, ये है अंदर से। इस हॉस्टल में ये जो फैसिलिटी है आपको पूरी, में रूम में जाकर प्रत्येक रूम, जो 2 सीटर, 1 सीटर, सिंगल सीटर जो भी रूम है वो दिखाऊंगा। गेस्टों के लिए ये यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। और ये हमारा ये एक ऑफिस है, यहाँ पे ये जो बड़े बॉस बैठते हैं और ये पे छोटे बॉस बैठते हैं, जो भी बैठता है। ये हॉस्टल है और ये हमारे अंकल जी, अरे हाँ, तो ये हॉस्टल है। और हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो है, ये लंच डिनर ब्रेकफास्ट में जो भी नहीं मिलता है, जो ये मिलता है। और ये यहाँ पर ये मीनू है इसका। और बता दूँ आपको, ये इसमें सुविधा है NS बॉयज़ हॉस्टल की, जो ये है इसमें ये सुविधा है। और आपको जो भी रूम है वो रूम में ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ, 2 सीटर रूम कैसा है, 3 सीटर रूम कैसा है। तो मैं आपको एक नंबर रूम से स्टार्ट करता हूँ। ये एक नंबर रूम है जो 3 सीटर रूम है, इसमें 3 बेड लगे हुए हैं और तीनों के 3 कबर्ड हैं, तीनों के 3 अलमारी है, काफ़ी स्पेस वाला रूम है। और एक टेबल, एक चेयर, एक बेड, एक गद्दा एक बच्चे के लिए है। और ये 3 सीटर रूम है, इसका अटैच लेट बाथरूम ये है, कॉमन वो वेस्टर्न है, ये इसका बाथरूम है। और इसी के साइड में ये वेंटिलेशन के लिए खिड़की और कूलर लगा हुआ है। तो आपको बता दूं, ये 3 सीटर रूम है। और 3 सीटर रूम की प्राइस, जो अभी मैं मालिक से बात करूंगा, जो हॉस्टल के वो हैं वार्डन जो भी है, वो बताएंगे आपको 3 सीटर रूम के बारे में। ओके, अब मैं आपको 2 सीटर रूम दिखाऊंगा। अब आपको मैं 2 सीटर रूम दिखाता हूँ। ये इसकी लॉबी है और लॉबी में ये सामने वाटर कूलर लगा हुआ है। और रूम नंबर 5, 2 सीटर रूम, ये देखिए, ये 2 सीटर रूम है, 2 बेड लगे हुए हैं, काफ़ी स्पेस वाला रूम है जिसमें वही टेबल कुर्सी है 2 सीटर रूम में। और ये 2 सीटर की 3 कबर्ड हैं और इसका ये अटैच लेट वाला बाथरूम है। इसमें भी बाथरूम में बता दूं आपको, वो इंग्लिश सीलिंग है और एडजस्ट लगा हुआ है, गीजर लगे हुए हैं, ये गीजर, ये एडजस्ट, ये NS हॉस्टल की सुविधा है। आपको बता दूँ, अटैच लेट बाथरूम वाले बड़े बड़े स्पेस के रूम हैं। किसी भी भाई को रूम लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। और ये इसकी बालकनी है, ये देखिए, ये लॉबी है, बाहर वेंटिलेशन के लिए लगाया हुआ है, ये कूलर वाले रूम में टोटल, और ये वेंटिलेशन है, यहाँ की लॉबी है। अब आपको मैं 2 सीटर दिखा दिया, 3 सीटर दिखा दिया, अब सिंगल सीटर रूम दिखा देता हूँ। ऊपर चलता हूँ मैं और 3 सीटर रूम दिखाता हूँ आपको, वो 3 नहीं, सिंगल सीटर AC वाला रूम। ये सब कूलर वाले रूम है और 3rd, 2nd फ्लोर पर फ्री वाईफाई सुविधा, वाईफाई लगे हुए हैं। और मैं आपको अभी ऊपर और चलता हूँ। ये AC वाले रूम है, सबकी AC लगी हुई है, AC का मीटर लगा हुआ है। ये लॉबी है बाहर की, बाहर का वेंटिलेशन, कूलर वाले रूम भी है और AC वाले रूम भी है, ये देखिए, ये लगा हुआ है इनका आउटडोर। और ये सब AC वाले रूम, तो वेंटिलेशन काफ़ी है। ये गैलरी है, एक गैलरी है। तो इधर मैं आपको सिंगल सीटर रूम दिखाऊंगा AC वाला, ये AC का इंडोर है, एक बेड है, एक टेबल और इसकी ये कवर्ड,
और ये पर्दे पंखा। तो ये सिंगल सीटर रूम है, ये देखिए सिंगल सीटर रूम नंबर 31, और इसकी एक गलेरिया है पास में, और बाकी ये टू शेयरिंग रूम, टू शेयरिंग रूम वॉश बेसिन और एक टू सीटर रूम एक ये भी है, एसी वाला टू सीटर। वो आपको कूलर वाला टू सीटर रूम दिखाया था, ये एसी वाला टू सीटर रूम है। एक मिनट मैं लाइट ऑन करता हूँ। ये लो ट्यूबलाइट लगी हुई है, और ये एसी वाला टू सीटर रूम है। इसकी बालकनी ये है, ये बालकनी है, खुला वेंटिलेशन है। इसके बाद में एक ऊपर बेंजिल है और खुला बिल्कुल धूप वाला। अगर लाइट भी नहीं आती है तो लाइट और क्या गेट खोल के भी भट सकता है बच्चा। तो खुला रूम है, और इसका ये है लेट बाथ अटैच, सब टोटल अटैच लेट बाथ रूम है, जिसमें बाल्टी मग्गा सब अवेलेबल है, गीजर लगे हुए सर्दियों के लिए, वही एडजस्ट, और ये टू सीटर एसी वाला। तो आपको टू सीटर, थ्री सीटर, सिंगल सीटर, एसी, नॉन एसी, कूलर, सब रूम मैंने आपको दिखा दिया। और इनमें ये पर्दे वगैरह खिड़कियों के पास दोनों तरफ, और ये कवर्ड है। तो ये टू सीटर है, देख लीजिए। अब आपको मैं थर्ड फ्लोर पे ले चलता हूँ। थर्ड फ्लोर पे ये आ गया, थर्ड फ्लोर पे, और रूम नंबर 42 वही एसी वाला रूम है। इधर इधर यहाँ पर थर्ड फ्लोर पे वही वाटर कूलर लगा हुआ है, ठंडा पानी का आरओ है, और ये लॉबी है, एक ये लॉबी है। इसके लिए जो बच्चों को कमरे में धूप आए इसलिए ग्रीन टी लगा रखा है। ये देखिए ये थर्ड फ्लोर है, खुला बिल्कुल फुल वेंटिलेशन रूम, सब एसी वाले रूम है यहाँ पर थर्ड फ्लोर पे, और सबकी प्राइस अलग अलग है। ये देखिए अब आपको मैं टू सीटर, थ्री सीटर, वन सीटर सब रूम दिखा दिया हूँ, और अब आपको मैं मेस और दिखा देता हूँ। मेस में क्या सुविधा है, मेस बना हुआ छत के ऊपर, और ये छत के ऊपर सभी एसीयों का आउटडोर लगा हुआ है, और बच्चों को बैठने की व्यवस्था ये है। ये मेस है, मेस के पास में वॉशरूम है, और ये हैंड वॉश है, और इसके बाद ये बैठने की उत्तम व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर बच्चा आएगा, यहाँ से प्लेट उठाएगा, पानी की व्यवस्था जग की, और प्लेट उठा के ऑन द सिटिंग द चेयर हमारा हॉस्टल का स्टाफ जो भी होगा कुक वही सर्वर करेगा। बच्चे को सिर्फ प्लेट उठानी है और टेबल पे बैठना है। तो ये NS बॉयज़ हॉस्टल का मेज, और ये आपको बता दूँ साफ सफाई किचन की। तो ये है किचन, ये किचन में सलाद आदि दिया जाएगा बच्चों को, ये रोटी सेकने का काम है, और बढ़िया खाना है। तो ये किचन है, देख लीजिए साफ सफाई, ये मेस की साफ सफाई, और ये मेस है। तो दोस्तों ये NS बॉयज़ हॉस्टल का पूरा टूर, बॉयज़ हॉस्टल का पूरा टूर करवा दिया हूँ मैं। आपको तय करना है आपको सिंगल सीटर या थ्री सीटर या फोर सीटर रूम भी बेड मिल जाएंगे। और ये बता दूँ ये वसुंधरा राज्य वाली द्रव्यवती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये द्रव्यवती नदी जो अपने वसुंधरा राज्य ने बनवाई गई थी, वो द्रव्यवती नदी ये मानसरोवर यानी कि राजस्थान जयपुर की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। और इसी के साथ में ये प्रोजेक्ट पार्क जो बोलते हैं ये वो है, और ये जयपुर को भालपुरा बाईपास पर बसा हुआ NS बॉयज़ हॉस्टल जिसको मैं आपको बता दिया हूँ। वापसी नीचे की ओर रुक कर लिया है, नीचे जा रहे हैं, और आप कोई बच्चा मिलेगा उन बच्चों से, क्योंकि बच्चे सभी कोचिंग गए हुए, पर सभी बच्चों से अभी आप रूबरू करा देता। हाँ तो दोस्तों अभी कवरेज की है मैंने, और मैं रामचंद्र चौहान इस हॉस्टल में वार्डन का रूप कर रहा हूँ, और इस हॉस्टल में मैं रहता भी हूँ। आज 4 साल से मैं इस हॉस्टल में रह रहा हूँ। आपको बता दूँ ये NS बॉयज़ हॉस्टल है, तो ये NS बॉयज़ हॉस्टल है और ये NS फिटनेस जिम है। इसमें क्या है कि बच्चों को हॉस्टल लाने ले जाने का कन्वेंस फ्री है, और बच्चों को हॉस्टल से कोचिंग ड्रॉप करते हैं, जैसे एलन, आकाश, हमारे IIT PMT बच्चे ही अलाउ हैं इस हॉस्टल में। तो IIT PMT के ही बच्चे हम इस हॉस्टल में रखते हैं, और सीधा कोचिंग छोड़ेंगे बच्चे की, जैसे कोचिंग होती है कोचिंग में बच्चे को छोड़ेंगे, और वहाँ से कोचिंग से वापसी पिकअप करके हॉस्टल आते हैं। बच्चे का काम सिर्फ हॉस्टल में आराम से माहौल से पढ़ना,
लिखना, बैठना, अच्छा खाना, अच्छा व्यवस्था, अच्छी सुविधाएं सब प्रोवाइड की जाती है। आपको बता दूं यहाँ पर पीस का चार्ट ये है कि ये पीस का चार्ट है। अब ये पीस का चार्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझ रहा हूँ कि हमारे जो 3 सीटर रूम है उसमें 7,500 रुपये का रूम रेंट है। अगर बंदा 6 महीने का किराया एक साथ जमा करवाता है तो 6 महीने के उनके होते हैं 45,000 रुपये। हम डिस्काउंट 4,000 रुपये करके उससे 4,000 रुपये डिस्काउंट करके 41,000 रुपये लेते हैं 6 महीने, या पर मंथ देगा तो 4,500। उसमें लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, लाइट, बिजली, बेड, गद्दा, टेबल कुछ, वाईफाई कनेक्शन और ये जो गाड़ी से पिकअप ड्रॉप करते हैं कन्वेंस सब फ्री है। बच्चे को सिर्फ हॉस्टल में माहौल से रहना है, अच्छा खाना, अच्छा पीना है। और दोस्तों आपको बता दूं, जो भी हॉस्टल में आएगा उन बच्चों के लिए, निर्धन बच्चों के लिए, अच्छी परसेंटेज बच्चों के लिए सभी प्रकार से अलग अलग रूप से व्यवस्था की गई है। अच्छी परसेंटेज वाले बच्चों को 500 डिस्काउंट की सुविधा है, निर्धन बच्चा है उसको भी डिस्काउंट की सुविधा है। हमारे सेठ जी का दिल बहुत बड़ा है, हमारे सैनी साहब जी जो सेठ जी हैं अभी आए नहीं, अभी आ जाएंगे। तो मैं बता दूं, जिस किसी भी भाई को IIT PMT कोचिंग में पढ़ना है और ONS बॉयज हॉस्टल में रहना है, अच्छा माहौल, अच्छा खाना मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।